हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बनाते हैं मैंगो सूजी केक की रेसिपी। मार्केट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया रसीले मैंगो आ चुके हैं, तो चलिए उनका यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया और हेल्दी केक बनाते हैं। मैं इसे हेल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें मैदा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। हम इसे सिर्फ सूजी से बनाएंगे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, तो चलिए झटपट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के सेंटर में कटोरी या फिर स्टैंड रखकर उसे ढककर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। आज केक हम कढ़ाई में बना रहे हैं, माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। अब मैंने एक कटोरी के करीब सूजी ली है। सूजी आप मोटी भी ले सकते हो और चाहो तो बारीक भी ले सकते हो, क्योंकि आखिर में हमें इसे एक बार ग्राइंड तो करना ही है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे एक पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं और ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ सूजी कितनी बारीक हो गई है, बिल्कुल आटे की तरह हो गई है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आम। आप कोशिश कीजिएगा कि जो आम कलर में ज़्यादा येलो हो आप वही लीजिएगा, जिससे होगा ये कि आपको अपने केक में कोई आर्टिफिशियल कलर या फूड कलर नहीं डालना पड़ेगा। अब हम इस आम को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए, इस तरीके से हम चाकू से इसमें कट लगा देंगे और स्पून की हेल्प से इसे निकाल लेंगे। तो हमारे मैंगो कट हो चुके हैं। चलिए इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेते हैं और साथ ही साथ हम इसमें आधा कटोरी के करीब चीनी भी डाल देंगे। चीनी को आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाली है। एक कटोरी सूजी था मेरा और मैंने आधा कटोरी इसमें चीनी भी डाली है, क्योंकि हमने इसमें मैंगो डाला है वो भी बहुत मीठा है, तो इसी हिसाब से हम इसमें चीनी डालेंगे। अच्छा दोस्तों, इस केक में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लोग चीनी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं वो देसी खांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ या फिर शक्कर का यूज़ ना करिएगा, क्योंकि फिर आपका वो मैंगो केक वाला जो येलो कलर होता है वो नहीं आएगा। गुड़ शक्कर से इसका केक का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा चीनी और मैंगो का बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। हमने इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब एक छलनी लेंगे और छलनी में हम जो हमने सूजी को पीस के रखा था, एक कटोरी सूजी को, उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, स्पून की हेल्प से इस तरीके से हम अपनी सारी सूजी को छान लेंगे। अच्छा दोस्तों, केक में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको छानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, क्योंकि उसमें एयर इवेपोरेट हो जाती है। अब हम इसमें एक टेबलस्पून के करीब बटर या फिर ऑयल डालेंगे। ऑयल आपका किसी भी फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए, नॉन फ्लेवर ऑयल होना चाहिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक कप के करीब दूध लिया है और दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें दूध डाला है और दूध डालने के बाद इसको एक बार मिक्स करूँगी। अभी हम एक साथ इसमें सारा दूध नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है सूजी फूलती है, तो इसलिए अभी हमें जितना भी ये मिक्स हुआ है इसको मिक्स होने के बाद थोड़ी देर के लिए ढककर 10 मिनट तक के लिए रख देना है, क्योंकि सूजी हमारी फूलेगी और उसके बाद ही हम इसमें दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तब तक हम अपने केक टिन पर ऑयल लगा लेते हैं और चारों तरफ से मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा छिड़क दिया है, ताकि जो हमारा केक है वो ईजीली निकल जाए और वो चिपके ना। तो हमारी केक टिन भी रेडी हो चुकी है और 10 मिनट हो चुकी है। हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है और आप देखेंगे ये कितना गाढ़ा पेस्ट हो गया है। अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ अपना दूध मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे करके मैंने इसमें सारा दूध ऑलमोस्ट डाल दिया है और आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो गई है। और मेरा इतना सा दूध बच गया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें एक चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी इसको एक्टिवेट करने के लिए, और उसके बाद हम अच्छे से इसको मिलाएंगे और जल्दी से फटाफट से इसको मिलाने के बाद हमें केक टिन में इसे ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो बैटर है स्मूथ बन गया है। अब केक टिन को तो हमने पहले से ही रेडी करके रख लिया था, अब इसमें हम अपना बैटर डाल देते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा बैटर गिर रहा है, इसका मतलब हमारा बैटर बहुत ही बढ़िया बना है। चलिए अब फटाफट से इसको एक दो बार इस तरीके से टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। और चलिए इसको अब थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है और उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया, ताकि टूटी फ्रूटी हमारी ऊपर ही रहे, केक के अंदर ना जाए।
और ऊपर से मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी है। और आप देख रहे हो केक का कलर कितना बढ़िया आया है ना, सिर्फ मैंगो से ही कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ नहीं हुआ है। ऊपर से थोड़े से पिस्ता और डाल दिए हैं मैंने। और अब हमारी कढ़ाई भी जो है वो प्री हीट हो चुकी है अच्छे से। अब ध्यान से हम इसमें अपने केक को रख देंगे और केक रखने के बाद हम इसे ढक देंगे। कढ़ाई पे हमें स्टील का ही बर्तन रखना है ऊपर इसे ढकने के लिए, हमें कांच का बर्तन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्टील के बर्तन से जो है वो कढ़ाई चारों तरफ से गर्म होगी, ऊपर से भी गर्म होगी। और कांच का ढक्कन रखने के बाद कढ़ाई ऊपर से इतनी गर्म नहीं हो पाती है और हमारा जो केक है वो अच्छे से ऊपर से नहीं सिक पाता है। तो देखिए केक को मैंने लो फ्लेम पर 20 मिनट से 25 मिनट तक पकाया है। और उसके बाद अब मैं चेक करती हूँ टूथपिक की सहायता से। टूथपिक हम इसमें डालेंगे और देखेंगे कि टूथपिक अगर क्लीन आई है तो हमारा केक बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक चुका है। और हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। अब कपड़े की सहायता से इसको अच्छे से निकाल लेंगे और केक को ठंडा होने देंगे। जब केक ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही किनारे छोड़ देगा। ये देखिए मेरे केक ने भी सारे किनारे अपने आप छोड़ दिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसके चारों तरफ चाकू घुमा देती हूँ। और अब प्लेट को उल्टा करके इस तरीके से हम केक पे टैप करेंगे और केक आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बनके रेडी हो गया है। इसका कलर कितना सुंदर आया है और साथ ही साथ ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना है। तो चलिए अब अपने केक को सीधा कर लेते हैं। फिर से एक बार इसको प्लेट से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और ये देखिए हमारा केक कितना सुंदर बनके रेडी हो गया है। इस केक में आप मैंगो एसेंस या इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो फ्लेवर ऐड करने के लिए। ये देखिए एक बार मैं आपको कट करके दिखाती हूँ पास से कि ये मैंगो का केक कितना बढ़िया ब्यूटीफुल और कितना कलरफुल बना है। ये देखिए आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी भी बना है। तो भाई अब देर किस बात की, जल्दी से फटाफट से मार्केट जाइए, मैंगो लेकर आइए और इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। डेफ़िनेटली आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली है ये रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए।